हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, क्योंकि गुड मॉर्निंग नहीं है, ये गुड आफ्टरनून है। और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड विश यू अ वेरी हैप्पी धनतेरस टू ऑल। सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ब्लॉग अब यहाँ से शुरू हुआ है, कई दिन से ब्लॉग नहीं आया बिकॉज़ मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी। अभी भी अगर आपको फील हो रहा हो तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ हुआ है, और वैसे भी थोड़ा सा मैं डाउट थी। और अभी कहीं की तैयारी है, कहीं हम लोग जा रहे हैं। आ नहीं बोलना, नहीं बोलते हैं लाहौर। ओके, तो मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही खुश रहे हम सब लोग। और हम लोग जा रहे हैं आज लखनऊ, मैं अपनी मम्मा के घर जा रही हूँ। बिकॉज़ मैं इस वक्त 6.5 महीने के ऑलमोस्ट हो गया है मैं नहीं गई हूँ, टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा वर्कलोड रहता है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, स्कूल वगैरह, डॉक्टर साहब का काम। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं घर जा रही हूँ, बच्चों की छुट्टी हुई है, डॉक्टर साहब की भी है, तो वी प्लान कि हम लोग इसी दौरान 2-3 दिन के लिए मिल के आ जाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, हर एक लड़की हैप्पी होती है यू नो। तो सारा सामान सॉर्ट हो चुका है, टाइम वैसे अभी 2:15 बज रहे हैं, डॉक्टर साहब की आज मीटिंग वगैरह धनतेरस के वजह से थी तो वो लेट हो गए हैं। और मतलब टाइमिंग यही था कि 2-2.5 बजे तक ही हम निकल पाएंगे। और मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है, शार ले लिया है, हम लोग नहा चुके, नहा धो के ऑल सॉर्ट सब कुछ हो चुका है, बस अब चलेंगे लखनऊ। मैं वहाँ इसलिए हैप्पी होती हूँ बिकॉज ऑब्वियस मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, और मेरी सिस्टर है, मेरा भाई, मेरी भावज, बच्चे सारे। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल विद मी माय फैमिली। और लखनऊ ट्रिप के कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अच्छे अच्छे एपिसोड्स निकाल सकें, अच्छे अच्छे से व्लॉग बना सकें, कहीं घुमाएं, थोड़ा सा फैमिली से मिलवाएं। एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ एंड माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोशिश रहेगी कि ये व्लॉग डेली मैं वहाँ बनाऊँ। मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 days तो इंशाल्लाह कंफर्म है, 5 days डॉक्टर साहब के ऊपर डिपेंड करता है। एंड चले फिर, जैसे डॉक्टर साहब आते हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम घर से तो निकल चुके हैं, पर हमें निकलना था थोड़ा जल्दी, पर एज यूजुअल डॉक्टर साहब की वजह से हम लेट हैं। और इंशाल्लाह साथ खैरियत के घर पहुँचे, और सब ठीक है, बढ़िया है, मजे में है। ये रहे हमारे डॉक्टर साहब। हेलो एवरीवन, धनतेरस एंड हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी धनवंतरी जयंती टू ऑल ऑफ यू। यस, हम ग्रेटर नोएडा की रोड पर हैं, बच्चे पीछे एंजॉय कर रहे हैं। ये हैं आयान, और आशु भैया किधर है? ये रहे आशु भैया, बच्चे अपना कार स्टार्ट, तो पोयस स्टार्ट। तो चले हमारे साथ बने रहिए। आज बारिश हुई है, आज मॉर्निंग से ही बारिश है, और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लाइक कोजी वाला हो गया है, कोजी कोजी सा मौसम है। और चले और आगे जैसा जैसा होगा आपसे मिलेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, और हमारे साथ बने रहिए, एंजॉय करिए लखनऊ के इस ट्रिप को, स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर, और बहुत ज्यादा ही रश है, पीछे तो इतने लोग खड़े थे, और क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, सब अपने घर जा रहे हैं दिवाली मनाने, और बहुत ज्यादा रश। ये देखें आप बस की हालत पूरी पैक्ड है, वरना लोग बसों में से लटके हुए थे, लटके हुए। हाँ, वो हम बना नहीं पाए।
लिटरली एक तो लड़का बिल्कुल इतना बाहर था, उसको देख के तो मुझे घबराहट हो रही थी बेचारा। मैं तो कहती हूँ साथ खैरियत के अपने घर पहुंचे, और बिल्कुल ही बाहर था, मतलब तीन जने दरवाजे पर थे और चौथा वो टंगा हुआ था। तो तीन तो फिर भी कुछ अंदर थे, वो चौथा तो बिल्कुल ही बाहर था। पता नहीं बेचारा कैसे इतना लंबा सफर कहाँ तक वो हाथ ऐसे पकड़ पकड़ के करेगा। तो हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर, और ये देखें बेचारे ये ब्लैंकेट ये सब ले लेके घर, ये देखें ऐसे बैठे हैं जगह जगह लिफ्ट के लिए, वो देखें बस के ऊपर का मंजर देखें, ये देखें ये कैसे लोग ऊपर छतों पे, ये देखें खूबसूरत, ये देखें कितना खूबसूरत बैगनवेलिया, और हवा चेक करें, ओ माय गॉड। आशु भैया बार 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 जो फ्रेंड्स चाय पी लो, चाय पी लो, आयानु नहीं, खूबसूरत लग रहा है। हवा चेक करें, हवा चेक करें, बेहद खूबसूरत मौसम। अंदर अंदर डोंट वेस्ट टाइम, कपड़े गंदे हो रहे हैं। खूबसूरत मौसम है, मैं आपको क्या ही बताऊं। एक मिनट के लिए उतरूं क्या? एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट उतरूं? नहीं बैठो, अल्लाह मेरे, ओ माय गॉड। आशु आशु ये देखें, ये देखें, बेहद खूबसूरत फ्लावर्स, मुझको फ्लावर्स ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। ये हेलो, ये गिर गया था, लोग जा रहे हैं। पेड़ देखी, कितना प्यारा लग रहा है, उतना अच्छा अभी आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि रोशनी ज्यादा लग रही है, बट वैसे मगरिब का टाइम होने वाला है तो बड़ा ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ये देखो, ये देखो, जूम थोड़ा कम करती हूँ, ये देखो, मजा आ रहा है। बच्चों ने थोड़ा सा स्ट्रॉप लिया है, बहुत अच्छी हवा दे दी, आलू का पराठा गरम है ना, हाँ दे दिया, जाओ मुझाओ वो बस एक हवा थोड़ी सी चली उसमें काम करो, अब ये चिट्ठी में हवा आ गई, ये नहीं बोलते लोग कौन की चीज है। पराठे में घर से बना के लाई थी, बच्चों को भूख लग गई है, मैं अब उन्हें खिला, बच्चे खा रहे हैं, आयान सब खा रहे हैं, और डॉग साहब भी खा रहे हैं, और मैं भी खा रही हूँ, खाते खाते कट जाए रास्ते। बहुत अच्छा लग रहा है, सफर में अच्छे भी लगते हैं ऐसी चीजें। बच्चों के लिए पोटैटोज के बना लिए थे मैंने, ओए होए डांस, फिनिश, एक ही था आलू का। ये है मूली के पराठे बना के लाई हूँ मैं, ये देखिए बच्चों के लिए आलू के लाई हूँ,
अपने और इनके लिए मूली के और दो यार दे। कैसे खाते हैं? आलू है, आलू है। नहीं खाओ फटाफट। देखिए फिलिंग बहुत अच्छे से विद धनिया की पत्ती। कैसे बना? जबरदस्त। ये देखिए फ्रेंड्स, यमुना एक्सप्रेसवे पे ये रेन के ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे, ये देखें ये। तो यहाँ पे रेन स्टार्ट हो गई। आज रेन हमारे यहाँ माशाल्लाह मॉर्निंग से ही है, और अभी जब मैं बाहर खड़ी हुई थी देख के बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था, बहुत ही ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा इतनी ठंड लग रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे स्वेटर लेना चाहिए था, बट मैंने अपनी मैंने अपना एक अपर रखा है। यस मैं लाई हूँ जे बात। ये देखे बारिश यहाँ भी स्टार्ट हो गई। ये देखे रेन रेन डुम 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 आवाज आप लोग को सुनाई दे रही है। अल्लाह कमी बरस रहा है, मेरे मौला के रहमत कमी बरस रहा है। बारिश में दुआ मांगनी चाहिए, दुआ कबूल होती है। जल्दी जल्दी दुआ मांगो, हम भी दुआ मांगते हैं। बारिश हो रही है, मैंने दुआ मांगी है, बारिश में दुआ कबूल होती है ऐसा कहा जाता है।
हर वक्त वैसे तो दुआ कबूल होती है, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात ही है जो हर चीज़ कबूल करती है। तो उनकी मर्ज़ी, वो जब जो दिल चाहे वो दुआ कबूल करे। हमारा काम है हर वक्त अच्छी अच्छी दुआएं मांगना, उनका काम है कबूल करना। सुनने में आता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बारिश में दुआ मांगनी चाहिए, तो हमने मांगी है, इंशाल्लाह कबूल होगी। आप लोग के लिए भी मांगी है, अपने लिए भी मांगी है। और ये देखें खूबसूरत सा मंज़र आपको मैंने दिखाया है, और आगे जो होता है वो भी दिखाएंगे, कहाँ रुकते हैं, क्योंकि अब इनको और मुझको दोनों को, यू नो वी आर द टी लवर्स, तो हमको पीनी है चाय 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 चाय। अब तो चाय चाहिए, चाय क्या, अब तो चाय चाहिए, एक चाय का प्याली हो, हाँ इसको पिलाने वाली हो, चाय चाय लॉलीपॉप दिलाइए गाइस। भाई ऐसे गाइस गाइस कौन दिलाएंगे गाइस। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं अभी हम यहाँ फूड इन पे, और ये लखनऊ एक्सप्रेस वे पे अभी पहुंचने के लिए अभी हमें थोड़ा टाइम है। तो यमुना एक्सप्रेस वे का लास्ट फूड पॉइंट है, तो अब यहाँ पे अभी हम लोग चाय पियेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत डेकोरेशन हो रखी है, और बहुत भीड़ है आज क्योंकि फेस्टिवल्स पे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। सो पार्किंग इज़ अबाउट टू फुल, तो चलिए चाय पीते हैं। तो फ्रेंड्स आ गई हमारी चाय, और ये देखिए आह क्या रंग है, बाकी पीने के बाद इसका फ्लेवर पता चलेगा, फिर हम बताते हैं। अयान वहाँ खड़े हमारे स्वीट कॉर्न के वेट में, और आशु बहन ने अपनी वो स्पेशल एक कैंडी ले लिए, लिपस्टिक वाली कैंडी। हम चलते हैं यहाँ से, चाय हमने पी ली है, हम पी रहे हैं, और अब बैठ गए हम कार में। बाहर मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन ओवरऑल अच्छा लग रहा है। यस चलिए फिर निकलते हैं। ये है आगरा विकास प्राधिकरण, आपका हार्दिक स्वागत करता है 6:36 पर। पर मेरे में 6:29 हाँ, तो थोड़ा सा ही आ गया है, 10 मिनट्स का फर्क है। 6:29 हो रहा है दोस्तों। इतना खूबसूरत पिकॉक बना हुआ है, वॉल आर्ट देखें, ये देखें, दिख नहीं रहा, दिख गया, खूबसूरत पेंटिंग। और आगरा का टोल, ये आगरा की रिंग रोड है, अब इसको क्रॉस करके हम थोड़ी ही देर में लखनऊ के एक्सप्रेस वे पे अपना सफर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। खूबसूरत आर्ट्स बनी हुई है, देखिए आप, ये आ गए अंकल जी, अभी लेके आमत हो। ये एक ऐसा टोल है जिसपे ज्यादातर कर्मचारी जो होती हैं वो महिलाएं हैं, आप देखिए, और ये टोल कलेक्टर्स जितने भी हैं यहाँ सारे की सारी महिलाएं हैं। दो जेंडर, शुद्ध हिंदी का आप देखें, नहीं तो शुद्ध हिंदी तो स्त्री हो जाती, स्त्रियां हैं। नहीं नहीं मतलब वैसे वाली हिंदी है ना, आपने कहा ना महिलाएं एंड ऑल, तो चलो चले चलो चलो। हर तरफ रश ही रश है, क्योंकि है दीपावली मनाई सुहानी। फ्रेंड्स हाँ, एक टोल के पास थी जो अब निकल गई है, पुरानी वाली नहीं आ गई। अच्छा ओके, तो देखिए देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आपका हार्दिक स्वागत है। चले ये रहा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, जो मुझे मेरे मायके तक ले जाता है, जो मुझे मेरे घर तक ले जाता है। वाह,
यमुना एक्सप्रेसवे पर आकर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये बना था हम तब से ही यमुना एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं। लेकिन एक होता है यार, सारी लड़कियां इस चीज़ से रिलेट करेंगी, और अपने घर की बात अपनी होती है, अपनी सड़क, अपना वे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आती हूँ तो मुझे बड़ा अपना अपना सा फील होता है कि यस मैं अपने एरिया में आ रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि गाजियाबाद मेरा एरिया नहीं है, ऑफकोर्स वहाँ पे क्या कहते हैं, मेरा घर है, मेरे मियाँ का घर है, मेरा घर है, ऑफकोर्स वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। बट फिर भी अग्री करेंगी सब लोग, मायका तो मायका ही होता है, और सबको अपने मायके का सुख ऐसे ही मिले, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले हम आ गए हैं किस पे डॉक्टर साहब, लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं। एक ही एनर्जी हाई, एक ही इतने लो क्यों है? हम ससुराल के पास जा रहे हैं इसलिए। बट थोड़ा तेज तो बोले, सुनने वाले सब सुन लेते हैं। लेकिन हाथ कर दी कैसे, फालतू का मजाक करा आपने, ऐसे कहना होता था। ऐसे कहना क्यों होता है, आपको तो बहुत ज्यादा वो मिलता है वहाँ पे, रिस्पेक्ट और सब कुछ, मजा, मजा। हाँ, खाने पीने का सारा डिमांड यही पूरा होगा इनका, वही तो और उसके बाद भी देखे, ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ के टोल में, फर्स्ट टोल स्टार्ट हो गया है यहाँ से, क्योंकि ये स्टार्टिंग टोल है और फिर एंड मोहान पे पड़ता है, डायरेक्ट मोहान। और इस टोल का नाम क्या है, क्या नाम है डॉक्टर साहब? एक्सप्रेसवे का है, उपीड़ा। उपीड़ा, अजीब लगता ना नाम ये इसका, टोल ये देखिए उपीड़ा, इससे क्या मतलब होता है उपीड़ा? ये फुल फॉर्म है इसके, उत्तर प्रदेश मुझे पता है फुल फॉर्म है, मतलब वैसे बोलने में कहीं उपीड़ा, 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 पीड़ा का उ, उ, वो देखिए दुकान बनी हुई है उसको भी, हमारा ग्लास जो है वो गंदा हो गया, ये वो होगा जो साइड में दुकान बनी होती है ना एक्सप्रेसवे के साइड साइड में, चाय और उसकी, वो देखिए उसको भी कितना सुंदर इन्होंने सजा रखा है। तो फ्रेंड्स बच्चों को और स्पेशली मुझे डॉग साहब इस खूबसूरत रात में एक प्यारे से सफर में बेहद ही सड़ा सा सॉन्ग सुना रहे हैं, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग डॉग साहब का, और मैं आप लोग के लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं थोड़े थोड़े टुकड़ों में सुनाऊंगी, अदरवाइज ये कॉपीराइट आ जाएगा। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा किस किस ने ये सॉन्ग सुना है, किस किस को पसंद है, प्लीज। बहुत खतरनाक नाकाबंदी है इसमें, नाकाबंदी। ऐसे गाने सुनने से अगर आपको नींद आ रही हो ना रास्ते में, उड़ जाती है, तो ये बहुत कमाल के सॉन्ग है, इसलिए आपको इनका अलग एक कलेक्शन बना के रखना पड़ता है, फोटो सीखे इस पर।
तो फ्रेंड्स अभी चल रहा था डॉग साहब का, पीछे बैठो प्लीज, अभी चल रहा था डॉग साहब का एक फेवरेट सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग, और अब आप एंजॉय करिए मेरा, मेरी लिस्ट देखिए, मेरा चॉइस देखिए, बताना जरूर भैया सब लोग। सबसे गुजारिश है कि कमेंट करें तो ये जरूर बताएं कि सॉन्ग किसका अच्छा था। ऑब्वियस बात है लोग डॉग साहब के साथ चले जाएंगे कि डुम 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 बजेगा तो नींद नहीं आएगी, बट द रोमांटिक सॉन्ग, और जो एक होता है ना कि फीलिंग करने वाले जो लोग होंगे वो कनेक्ट करेंगे मुझसे। सड़क पे ज्यादा फील नहीं करते भैया, सड़क की बात, अरे यार वो नहीं हो रही, मतलब फिर भी दिल से फील करें यार, दिल से कनेक्ट करें सब लोग। हम दोनों का फेवरेट रंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, चम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंग मेरा दिल जाए कोई दगा जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, टाइम हो रहा है अभी अगर आप देखें तो 11 बज रहे हैं, और फिलहाल मैं अपनी बाजी के आ गई हूँ, अपनी सिस्टर के यहाँ मम्मा के यहाँ से होकर आई हूँ मिलकर, क्योंकि कल वहाँ जाऊँगी, यहाँ बच्चे आए हुए हैं बाजी के, थैंक यू बाजी के, तानू बाजी बुला रही, बाजी के बच्चे आए हुए हैं, तो सब लोग एक साथ हम लोग बच्चे एंजॉय करेंगे, सो दैट्स वाई अब हम लोग यहाँ आ गए हैं। और मैंने बोला मैं अब व्लॉग का एंड ले लेती हूँ बिकॉज बहुत रात हो गई है, कल इंशाल्लाह ताला नई सुबह के साथ शुरुआत करेंगे एक नए व्लॉग की, तो आप लोग सब हमें अपने दुआओं में शामिल रखें। तो ये मेरी प्यारी सी रीशु आ गई है, मेरी बच्ची, मेरी पकौड़ी, कल आएगी, यस बाकी बच्चे कल मिलेंगे, और ये मेरी प्यारी सी पकौड़ी है, मिस्टर बूमबस्टिक सिस्टम हिला, ये दोनों भाई बहन देखो, सेम हाइट, ऑलमोस्ट सेम आ देखो, और सेम पेट। तो चलो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं आपसे, बहुत थकान हो गई है, तो फिर स्टे ट्यून विद माय चैनल जिम बडीज एंड फैमिली ब्लॉग। माजरत है वैसे पीछे बहुत हल्ला है, सारे बच्चे मिल चुके हैं, कल अपनी बहन के घर का थोड़ा सा होम टूर भी दूंगी बिकॉज बेहद खूबसूरत घर है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अपनी दुआओं में हम सबको शामिल रखें, बाय, गुड नाइट, शब खैर।